लिए 100 दिन नहीं है, हमारे लिए तकरीबन 87 दिन बनते हैं। डायरेक्टोरेट जनरल पब्लिक रिलेशंस लाहौर में पंजाब काबीना के फैसलों पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीरे इत्तला फयाजुल हसन का कहना था कि सूबे की आवाम के लिए 87 दिन के अंदर अंदर तब्दीली लाएंगे। पंजाब काबीना ने अपने पहले इजलास में फैसला किया है कि वजीर आजम इमरान खान के 100 रोजा प्लान पर अमल दरामद के लिए तमाम महकमे अपनी अपनी सिफारिशात मुरतब करेंगे और सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान कोऑर्डिनेटर होंगे। तमाम महकमों के माबैन राबते और इनकी सिफारिशात का जायजा लेने के बाद इन्हें आइंदा काबीना में भी पेश करेंगे। तय हुआ कि मरकज के साथ कोऑर्डिनेट करके पहले 100 दिनों के अंदर चीज़ों को अच्छे तरीके से इस इशू के ऊपर मटेरियलाइज करने की जो है वो कोशिश की जाएगी। सूबाई वजीर इत्तला का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान ने वाजिया किया है कि ऐसे तमाम मंसूबे जो आवाम पर बोझ हैं इनका ऑडिट किया जाए और इनको दुरुस्त तरीके से चलाया जाए। पंजाब की 11 करोड़ आवाम को जिसकी शिकार है उसको बाला ताक रख के सिर्फ नाम और दाम कमाने के लिए इनको झोंका गया था, जना पैसों को खरबों रुपये को, उन 4 प्रोजेक्ट्स की मुकम्मल तरीके से ऑडिट करवाया जाएगा। उसमें आपका लाहौर, पिंडी, मुल्तान मेट्रो प्रोजेक्ट्स है। सूबाई वजीर का कहना था कि तमाम महकमों में भर्तियां पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत ही की जाएंगी। सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत आपकी फिलहाल पंजाब के अंदर जो है वो इंडक्शन होगी और नौकरियाँ होंगी, उसके अलावा बाकी तमाम नौकरियों पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने वाजिया किया कि पंजाब में इंसाफ सेहत कार्ड का अजरा जल्द शुरू होगा, जिसके बाद हर कार्ड होल्डर 5 लाख रुपए तक की अद्वियात मुफ्त हासिल कर सकेगा।